हमारा लगेज लेके आया है ये। मुझे ऑलरेडी बहुत जेट लैग हो रहा है गाइस, इतना जेट लैग हो गया ना, नींद बिल्कुल पूरी हुई नहीं। लेट्स गो। नमस्ते, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आई एम गोपाल एंड आई एम व्लॉगिंग टुडे बिकॉज़ आई जस्ट लव व्लॉगिंग। इतना सुंदर मौसम है, इतनी मस्त बारिश हो रही है और हम लोग इस व्लॉग में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज की तैयारी करने वाले। तो हम हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं। तो बता नहीं सकती, पता हम ना बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे। हमारी ट्रिप एक्चुअली मई में होनी चाहिए थी बट फिर वो पोस्टपोन होते 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 फाइनली गोइंग गोइंग ये। मैं सुबह सुबह बहुत थोड़ा सा लेट उठी हूँ। हेलो मम्मी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और देखो, हम दोनों नेल्स कराए हैं। हमें अपने को भी सोचा था अपन इंटरनेशनल ट्रिप जाए, नहीं सोचा था कि हम इंटरनेशनल ट्रिप कभी नहीं जाए सोचा था ना। सेम मतलब थैंकफुली बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा हमने ऐसे लाइक कभी सोचा नहीं था कि, तो हमने पासपोर्ट भी अभी बनवाए और जब पासपोर्ट बने थे ना तभी मम्मी पापा ने सबको बता दिया था, मेरी लड़की ने तो पासपोर्ट बनवा लिया, मेरी लड़की ने तो पासपोर्ट, हम तो बाहर जाएंगे हम घूमने। जैसे हम बच्चों के साथ होते ना, मम्मी पापा नहीं साइकिल लेके आए, वैसे किया था इन दोनों लोगों ने। चाय नाश्ता हो चुका है, अब हम लोग यहाँ पैकिंग पे लग चुके हैं। ये हमने पापा के सारे कपड़े निकाल रखे हैं, ये हमारी सारी अटैची पटैची मम्मी ने निकाल ली है, ये रही आपकी अटैची। हम जब नानी के घर जाते थे तब हम अटैची लेके जाते थे, अब हम सूटकेस लेके जाते हैं। हमारे पासपोर्ट। यस। मुझे ऑलरेडी बहुत जेट लैग हो रहा है गाइस, इतना जेट लैग हो गया ना, नींद बिल्कुल पूरी हुई नहीं है मेरी। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत नींद आ रही है एक्चुअली, जेट लैग यू नो। पापा की फोटो तो वैसी लग रही है, कोई एक वो ऐसे नहीं होते, पता नहीं क्या कहूँ। मुच्छड़ वॉचमैन। सॉरी। तो बस हमारी यही पैकिंग शैकिंग चल रही है। मजा आ रही है, मजा आ रही है। मम्मी आपको कौन सी शर्ट चाहिए? शैटन की शर्ट चाहिए। लो आपकी शैटन शर्ट। हेलो गाइस, मेरे ना इस कैमरे का स्क्रू ढीला हो गया था थोड़ा सा, तो हमने बस उसको फिट करवा दिया है, सो दैट इज डन। गाइस ये जो हमारा प्लांट है, हमने ना इसमें लगाया तो रबर प्लांट था, इसके सारे पत्ते नीचे आ चुके हैं और हमें इसमें मिल रहे हैं मशरूम्स, ये देखो फ्रेश मशरूम्स। एंड आई डोंट थिंक सो, ये तो वो वाले मशरूम है जो हम काट के सब्जी में भी डाल के खा सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई बट रबर प्लांट ना थोड़े दिन बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हमने इसकी जैसे केयर करते थे वैसे ही करी, एकदम से इसके सारे पत्ते वाले ओके बाय बिचेस आई नीड टू डाई और चले गए। आई डोंट नो व्हाई, अलग ही मौत आ गई है इसकी तो। हेलो जी, ट्रिप पे जाने से पहले मैं मेरी स्किन को भी अच्छे से तैयार कर लेती हूँ। आपको पता है अभी वेदर चेंज इतना ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से आई कैन स्पॉट सम डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस और एक्ने, ये तो भी काफी कम हो गया है। और आपको पता है कितनी बड़ी आदत से मुझसे वो लंबा चौड़ा स्किन केयर बिल्कुल नहीं होता है। आई लाइक इट सिंपल एंड ईजी। प्लम 10% नाइसिनामाइड एंड राइस वाटर इज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड कंसर्न। नाइसिनामाइड तो स्पॉट्स को टारगेट करता है, एक्ने को आराम देता है। राइस फोमेंट एक्सट्रैक्ट, फाइन लाइन्स, पोर्स, रिंकल, इनके लिए सुपरस्टार इंग्रेडिएंट है। इसमें और भी काफी जादू इंग्रेडिएंट्स हैं जो स्किन को क्लियर और स्मूथ करते हैं। मैं ना इसके ऐसे 2-3 ड्रॉप्स लेती हूँ और उसको अच्छे से अपनी स्किन पे से पट 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 करके डैप करके इसे स्किन के अंदर सोक करवा देते हैं हम इसको। और मैं दिन में रात में दोनों में यही यूज करती हूँ, कहा ना आलसी हूँ और कंजूस भी। एंड यस, दिस इज 100% वीगन, क्रुएल्टी फ्री, पैराबिन फ्री, हाँ वो जो सब फ्री आता है। अपनी खुद की पार्लर वाली दीदी बनते हुए आपके पास आपका BFF हो या ना हो, आप अपनी स्किन के लिए उनका BFF जरूर खरीद सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, डू चेक दैट आउट। आई डोंट लाइक दिस फ्लिमजी चश्मास, मेरे सर में दर्द होने लग जाता है। हाँ, मैं 20 साल की आंटी हूँ। अमीर अमीर लड़कियों के यू नो अलग चौचले हैं। ये बकेट कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। थैंक यू गाइज, मैं बहुत कूल लग रहा हूँ। मैंग आई है जो बेकार आई है बहुत, मैंने तो बोला ही था, तूने क्यों मंगवाई? मैंने मंगवाई तूने मंगवाई? गाइज हमने बहुत ही सस्ते वाले चश्मे भी ऑर्डर किए हैं ताकि हमारी फोटो स्कूल लग सके। थैंक यू गाइज, कैन यू प्लीज गेस द लोकेशन इन कमेंट सेक्शन बाय लुकिंग इट ऑल फॉर आउटफिट। ऐसे स्किप मार के चीटिंग मत करना कि लास्ट में पहुंच गए कि आप तो इधर जा रहे हो, हमने देख लिया। ये क्या मंगवाया था? ये आप ही ने बोला था दीदी, ड्राई शैम्पू चाहिए हमको।
नहीं मेरे को अभी नहाने का है, मैं तो गुड गर्ल बनूंगी, मैं तुम्हारी तरह सो रही हूँ बिना नहाए ड्राई शैम्पू फिच 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 करूँ। गाइस अभी हमें दो वीडियोस आज फिल्म करने हैं। यार मेरे फोन इतना गुम हो जाता है ना, मैं ना मेरी मम्मी बन गई हूँ, हर थोड़ी थोड़ी देर पे देखो तो मेरा फोन का क्या घंटी करना है मेरे फोन पे। अरे अभी तो यही था मेरा फोन का घंटी करना, जरा मेरे फोन पे मेरा यही हाल हो गया अभी, जानवी घंटी करना जरा मेरे फोन पे, अभी तो यही था यार। अच्छा जानवी के रूम में इतनी अच्छी हवा आती है, इतनी अच्छी हवा आती है, पर अगर हमारे पीछे वाले अंकल ने अपना घर बनवा लिया तो ये सारी हवा रुक जाएगी। तो आप हमारे चैनल को इतना लाइक शेयर सब्सक्राइब करो कि हम पीछे वाला प्लॉट खरीद ले। मेरा फोन नहीं मिलने वाला, प्लीज मत बोलना प्लीज। मेरा फोन कहाँ चला गया, मेरा फोन मिल गया, किसी को डरने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मत कर घंटी, मिल गया, अब क्या घंटी करेगी तू, मिल गया मुझे मेरा फोन। Guys, cracking them, your family relatives joke which we can't upload here because rishtedari guys. But it's okay. I guess, मुझे नहा लेना चाहिए, नहा के गुड गर्ल बन जाना चाहिए। गुड गर्ल बन गई हूँ, मैंने बहुत मस्त हेयर वॉश कर ली, इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे, एकदम क्लीन क्लीन लग रहा है, बहुत जोर की भूख लगी हुई है। भाई मुझे कितनी कूल लग रही हूँ, बंजारन लग रही है, इतनी कूल लग रही है, मैं इतनी कूल हूँ नहीं जितनी कूल मैं लग रही हूँ। मैंने लंच कर लिया है, अभी हमें एक वीडियो फिल्म करनी है तो उसी के लिए ये वाला जो फ्रेम है ये तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वही हो रहा है। जो ये लोग कहते रहते कि मैं रूम नहीं समेटती, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं अभी भी काम ही करने जा रही हूँ और मैं रूम समेटती हूँ, बस जब मैं समेटती तो कोई कुछ बताता नहीं है। हमें ना बाहर जाने में भी थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने और जानी ने ना हम लोग काफी दिनों से कपड़े सारे जुगाड़ बिठा रहे थे, इकट्ठे कर रहे थे, तो हम लोग ने कल रात को सारे कपड़े फाइनल कर लिए हैं, तो अभी बस मुझे उसको फटाफट लगा देना है। गाइज हमने ये ड्रेस खरीदी थी जो अब हमें लंबी है, मतलब वो पहले भी लंबी थी, तो हमें इसे कट करना है और हमारे पास टेलर जी के पास जाने का टाइम नहीं है। मैंने ब्रेकफास्ट भी ढंग से नहीं किया, मैंने लंच भी ढंग से नहीं कर पाई थी, मैं एक काम करते करते लंच कर रही थी, तो आई जस्ट वॉन्ट टू हैव अ गुड मील, है ना, मुझे जो सामान लेने गंदा किचन लगा है। रात के 2 बज रहे हैं, yes, और हम लोग अभी तक तो थोड़ी बहुत काम ही कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक सूटकेस लग चुका है, वो दूसरा लग चुका है, ये तीसरे वाले पे भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है, तो लाइक ये सब हमारे नहीं, इस मम्मी का भी एक जिसमें हम थोड़े से बैग्स वगैरह रख रहे हैं। और मेरी आंखों में इतनी नींद है, तेरी आंखों में सिर्फ फ्लैशेस दिख रहे हैं इस टाइम पे, नींद वींद कुछ नहीं दिख रही है। आई पेड फॉर इट, ओ शी पेड फॉर इट। गाइस रात के 2:45 बज रहे हैं, मैं और बूढ़ी बेटी हम लोग चमगादड़ की तरह जग रहे हैं, ये जो बाहर कुर 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 की आवाज आ रही है ना, ये मैं भी करने लग जाती हूँ क्योंकि मैं बनी चुकी हूँ चमगादड़। बहुत भूख लग रही है, जानू कहाँ है तेरे पास कुछ खाने पीने का है, चक्कर में अब हमें चीज नहीं मिला है तो हम चुप से खाने पीएंगे। ये रहा, दुकान की अच्छी सस्ती राखी मिल गई, सस्ती राखी ली है, महंगा गिफ्ट लेंगे भाइयों से, ये जी हम घर आ। मुझे मेरा हैंडबैग लगाना है, ये आपकी भूरी बेटी अपना फोन खाली करते हुए। जानवी क्या कह रही है तू? क्या मैं ये कह रही थी कि अभी तक ऐसा था, ओके बाली जाना है, 10 दिन में जाना है, 5 दिन में जाना है, 2 दिन में,
अब तो शाम हो रही है, अभी हमें जाना है। यस, और मतलब मुझे तो थोड़ा सा पेट में बुड़बुड़ फील हो रहा है। तो हम लोकेशन ही फाइनल नहीं कर पा रहे थे कि हमें जाना कहाँ। यस, हम बाली जाएं, हम टर्की जाएं, हमारे दिमाग में और भी था मलेशिया हमने सोचा था, मालदीव सोचा था हमने, क्योंकि हम दोनों ने सारी तारीखें, और अगर कुछ गलत होता तो हमारे ऊपर ही आएगा। काफी वैसे पेरेंट्स प्लान करते तो पेरेंट्स का अलग होता है, बट यहाँ पे हम दोनों ने ही प्लान किया। बट आई एम सो हैप्पी, लाइक ऐसे मेरा ड्रीम था कि हम बाहर जाएं, भी लोगों के लिए बड़ी डील ना हो जो भाई हमारे लोग। मैंने तो मेरी फर्स्ट फ्लाइट की जर्नी भी शेयर किया, एंड नाउ आई एम गोइंग टू फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट। आपकी प्रिया आंटी जी हमारे लिए चक्कर पकर नाश्ता ठेपला वगैरह लेने गए हुए हैं, वो भी बस आते ही होंगे। वी आर ऑलमोस्ट डन, बहुत सारे ठेपले, ये खाखरा भी आ गए हैं, बिस्किट्स, चक्री, नान खटाई, बट दिस इज सो 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 यमी। ये ना ड्राई वाले डोसा होते हैं। वी हैव सम मिर्च का अचार फ्लेवर्स लाने के लिए खाने पीने में, भाखर वड़ी, ये छोटे वाले समोसे, आधे ज्यादा बैग तो हमारा इसकी वजह से वजन वाला हो जाएगा। दिस बस हमें सूटकेस बंद करने हैं, ये भी कर ही लेते हैं। पी बड़ी, ये मैंने मृदुल से सीखा है, बहुत ही सही चीज है क्योंकि हम लड़कियों को नॉर्मली वॉशरूम वगैरह यूज करने में दिक्कत होती है। इस ट्रेन में लेके जाने के लिए यहाँ मस्त से साबूदाना की खिचड़ी बन रही है और यहाँ पे सीरा बन रहा है। आप एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा। नर्वस हो? नर्वस भी है हो? कि मैं आज तक कभी बाहर नहीं गई, थोड़ा पेट में गुड़गुड़ हो रही है। सेम मेरे भी पेट में हो रहा है। हाय फाई, हेलो गाइस, मैं मस्त नहा की गुड गर्ल बन गई हूं। आई एम वेयरिंग दिस वेरी ही स्ट्रीक्स आउट एंड हियर इज बुरी बेटी लुकिंग लाइक अ वेरी कूल किड। ओके गाइस, इट्स टाइम टू लीव फाइनली। यस बाय बैड, हम इतना मेसी घर छोड़ के जा रहे हैं, अभी आके समेटेंगे। चलो गाइस बाय रूम, वी विल मिस यू। हम जा रहे हैं स्टेशन की ओर, हमारी कोविड रिपोर्ट्स भी आ चुके हैं। वी ऑल फोर आर नेगेटिव, सो यस लेट्स गो, लेट्स डू दिस, आवर लेट्स गो। क्या हुआ? घर से निकलते ही दो कदम चलते ही गोपाली को याद आया कि वो अपना टूथपेस्ट लाना भूल गई है, टूथब्रश भी लाना भूल गई। मैं हर बार भूल जाती हूँ। We are here. मैंने लास्ट टाइम मम्मी को लाउंज एक्सेस के बारे में बता दिया था, अब मम्मी जस्ट वांट्स टू ईट लाउंज एक्सेस का फ्री वाला खाना। ठीक है, बहुत मतलब जेट लैग होगा मम्मी, क्या होगा जेट लैग, जेट लैग कोई भी कुछ ना, ये खुल ही नहीं रहा है मुझसे पापा, ये तो खुल ही नहीं रहा है मुझसे, ऐसे तो कब नहीं खुल रहा मुझसे, टका मारूंगा मैं। वी डोंट हैव एनी अटेंडेंट और ये खुल नहीं रहा है, लॉक तो नहीं है अंदर से, मुझे भी वही लग रहा है। हाँ लॉक है, पर कोई अटेंडेंट ही नहीं है, किसको पकड़े हैं? दिस इज रिडिकुलस। मैं इतनी डम हूँ, मैंने ना दूसरे अंकल जो सो रहे थे उनको जाके नहीं पता था क्योंकि हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, ये सी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था फर्स्ट टाइम उसके लिए, बट यस दिस इज आवर फर्स्ट सिटी, ये फुल अमीर वाली, मजा आ गया। यस फुल रिच फील्स, दरवाजा बंद है ना, बाहर वाले सुन रहे हैं उनको बोल के गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बोलती है ना सबको सुनाई दे रहा होगा पूरी बॉडी। ओके बट आई एम हैप्पी, हैप्पी कुछ भी करे, वेरी डर्टी टेबल, गाइस मम्मी दूध भी पैक करके लेके आए हैं पापा के लिए, वाह वाह वाह, हाँ वॉक ऑन फायर की कटोरी में, ये सॉरी आई एम वेरी लाउड गाइस, आई एम वेरी लाउड, मैं असल लोगों को, मैं वीडियो में कुछ कुछ लोगों को लाउड, मैं असल जिंदगी में लाउड। हमने नाइट लाइट्स चालू कर लिए, बहुत ही कूल सा माहौल बन गया है यहाँ पे, मस्त ट्रेन चल रही है, मैंने तो ना चेंज भी कर लिया, मैंने मस्त मेरे शॉर्ट्स पजामे पहन लिए।
मुझे बहुत मजा आ रही है ट्रेन में बैठ के एडिट करने की. मुझे ना ट्रैवल करने का बहुत ऐसे लाइक सबको ही नहीं होता है, सबको शौक नहीं होता है, पर मुझे बहुत मजा आती है ट्रैवल करने में. होप आप लोगों को भी हमारे ट्रैवल और नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस हम आपके साथ एक्सपीरियंस करते हैं तो आई होप आपको भी मजा आती है. जो लोग ऐसे लाइक जो लोग मुझे बहुत पहले से देख रहे होंगे उनको तो पता होगा दे नो माई जर्नी, बट जो उन्होंने अभी ज्वाइन किया है ना उनको ऐसा लगता होगा तो मस्त घूमती फिरती रहती है. मेरे पुराने वीडियोज जाके देखो, मैं लिटरल ना आप जैसे जल्दी हूँ बिल्कुल. और धीरे 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 करके मैंने अच्छा खासा पैसा सेव किया है, मेहनत की और फिर अब हम घूमते हैं और मुझे बहुत मजा आती है. आई रियली एंजॉय दिस जॉब. आई होप मैं और क्रेजी क्रेजी जगह जाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ. इफ़ यू रिमेंबर आई वॉज वॉचिंग एमिली इन पैरिस एंड आई सेड समथिंग, आई होप हम जल्दी से वो भी पूरा करें. तो पार्टी पार्टी पार्टी. गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग. एसी इतना ठंडा कर रखा था, अगर रात को मैंने टॉवल्स निकालने हैं बैग में से और उनको जाके बोल के आई हूँ एसी स्लो करो, एक तो वो भी नहीं दे रखा उन्होंने उड़ने उड़ने के लिए कुछ. बट इट्स गुड मॉर्निंग. अभी हम लोग राजस्थान में हैं. गाइस हमने ज्यादा सैनिटाइजर निकाल लिया था, मैंने मेरा पोंछ लिया, अब पूरा घर सैनिटाइजर बंटवारा करके. मेरी मम्मी ना हम मेरी मम्मी नॉर्मली वैसलीन भी ज्यादा, ये बेटा मैंने क्रीम ज्यादा निकाल ली थोड़ी, तुम लोग भी निकाल लो. ये हुआ परफेक्ट ब्रेकफास्ट, मस्त थेपला आलू से कॉफी चाय. ये जानवी के हिसाब से यहाँ से जाना चाहिए था, पापा के हिसाब से वहाँ से जाना चाहिए था. अभी दोनों बाप बेटियाँ एयरपोर्ट पे रेस लगा रहे हैं, लेट्स सी कौन पहले पहुँचता है. हमारे एक खिलाड़ी सबसे पीछे चलते हुए इनमें से मुझे तो वे टाई होता हुआ नजर आ रहा है. ओके गाइस, पहाड़ के नीचे तो आपकी जो प्रिय आंटी जी है ये ना फोन हर जगह रख के भूल जाती है और मानती नहीं थी अभी तक. नहीं आपकी अभी तक मैं मानती हूँ, तुम लोगों को कैसे लगता है? और सोसाइटी के कोई भी बच्चे के पास इनका फोन हो सकता है, इनकी फोन में जाता जब स्क्रीन गार्ड लगा तुरंत टूट जाता है. और मेरे पापा को डांटते हैं कि वो अपने फोन का ध्यान नहीं रखते, लगा लो कंप्लेंट. आज आपकी प्रिया आंटी जी ने सीपी में अपना फोन छोड़ दिया, हम लोग कैफे गए थे वहाँ पे और मतलब हम पूरी उसके बाद पूरी दुनिया घूम फिर के वापस आ गए. अब मेरी मम्मी को यहाँ पे ध्यान आया है, गोपाली के पापा फोन करना मेरी घंटी पे, गोपाली फोन पे घंटी करना मेरे फोन. और वो बट आंटी जी अगली बार से अपना फोन का ध्यान नहीं, वो तो नहीं रख पाते. हम लोग एक बार के खाने के बाद वापस खाना देखने वाले हो, बट भाई हम लोगों ने बीच में बहुत माथा फूड़ी की है, काफी सारी चीजें हमें नहीं पता थी और बहुत लंबी लंबी लाइन है भाई, बहुत लंबी लंबी लाइन थी तो इतनी देर से खड़े ही खड़े हैं. मुझे तो सब कॉफी खाना पीना सबकी जरूरत है. पीपल आर लुकिंग एट यू दैट व्हाट इज शी डूइंग. जानवी हैज ऑर्डर्ड फॉर सम सब्वे, यहाँ पे छोले भटूरे. मम्मी अपनी मम्मी को फोन पे बता रहे हैं कि अपना फोन गुम कर दिया और वो कहाँ पे है. इनकी मम्मी इनकी जरूर डांट लगाएंगी. गाइस पता है जब आप बड़े हो जाओ ना और पेरेंट्स के साथ ना घूमने की इट्स अनदर फन. मैं बोल रही हूँ पैसे कमाओ और अपने मम्मी पापा को घुमाने लेके जाओ, घूमने की तो मजा आएगी. अब ना मुझे ऐसा लगता है ये लोग
मैं आपको लिटरेट उसमें ना नॉस्टैल्जिक फील होगा और वो भी उल्टा बहुत उल्टा नॉस्टैल्जिक फील होगा विच इज वेरी क्यूट नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस ऑफ ऐसे कहेंगे छोटी का बोल मतलब दे विल बी वेरी चिल यस दे विल बी वेरी चिल डिपेंडेंट एक हैप्पीली डिपेंडेंट वेरी दे विल ऑब्वियसली बी वेरी रिस्पॉन्सिबल बट दे विल बी आल्सो लाइक वेरी चिल इन तीनों लोगों का चेकिंग वगैरह और सब कुछ हो चुका है मेरी टिकट नहीं दिखा रही है सिस्टम में सो आई गेस आई एम नॉट गोइंग टू बाली ये तीनों लोगों को ऐसे बाय बाय करके चलते हैं गाइस ये लोग यहाँ लाइन में खड़े हैं और मेरे पासपोर्ट पे पहला टप्पा लग चुका है फैंसी एंड बूजी गाइस दिस इज एंडलेस भाई ये कितना बड़ा है वो जानवी यहाँ से लॉन है ना आई ग्रेट करना ये क्या होता है माधुरी तो कुछ पीने की चीज नहीं आती एक बात बताऊं स्टारबक्स तो बहुत सस्ता लग रहा है अब मुझे मैं आईब्रो बनवाऊंगी 30,000 तीन बार निकालने का ड्यूटी फ्री गाइस गेटिंग माय आईब्रोस डन फाइनली चीयर्स ब्रो चीयर्स लेट्स गो गाइस हम कम से कम 5-6 घंटे जल्दी आ गए थे एयरपोर्ट पे एंड आई डोंट नो हाउ वी आर लेट नाउ टू रीच आवर गेट यार बहुत चल रहा है अभी तुम गेट नंबर 3 पे हैं हम बहुत दौड़ दौड़ के आए थे कि हम लेट हो गए बट हमारी फ्लाइट ही लेट है यहाँ पे हम लोग बहुत फैसिनेटिंग काम करते हुए और प्रेम निवास तिवारी 100 रुपए का नोट निकालते हुए फटा हुआ अभी एक जन ने रिजेक्ट किया था लेट्स सी इफ दिस वर्क्स और नॉट ले 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 एक पानी से हो जाएगा क्वेश्चन ये हाँ, अभी हो जाएगा तो फिर वो लोग भी दे देंगे ठीक है चलो आई होप मेरा पानी है मम्मी पापा नहीं पिएंगे पापा हंस रहे हैं मास्क के अंदर जानवी बचपन में इंग्लिश क्यों सीखी थी मैं ये सोचती थी शिट अगर मेरे को इंग्लिश नहीं आई तो मैं बाहर कैसे जाऊंगी मेरे को बाहर जाना है yes. कि मैं इंग्लिश सीखूं ताकि मैं बाहर जाऊं एंड नाउ दोस थिंग्स फील लाइक स्टूपिड स्टूपिड बट नाउ मुझे Bye Delhi. Bye bye. We will miss you. See you soon. Guys, we have menu here, but I don't think so. Oh, look, the mast raha hai. Maggi tasty tasty. Guys, guys, guys. Okay, guys, ये मैंने पहन लिया क्योंकि अभी नया खरीदा है इतनी सुंदर है इतनी सुंदर एयर होस्टेस है इतनी सुंदर एयर होस्टेस इसलिए खाए नजर ना लगे बहुत सोनी है चिक-चिक करके आई हूँ यार ये लोग लगेज रखना भूल गए हैं वियतनाम में हमारा लगेज और हम बाली में सबसे पहले जाने उलुवाटू हमारा 2 दिन का स्टे उलुवाटू में उसके बाद हम आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग जगह जाने वाले हैं
जानवी अपने पैसों का कलेक्शन एक कंट्री में ट्रैवल करने के बाद दिखाते हुए। आई होप अब हमें लगेज मिल जाएगा। दिस इज द सीन ऑफ लगेज। Extremely chaotic. Guys, typical Indian family on vacation. पापा टीवी देख रहे हैं, मम्मी वीडियो कॉल पे बातें कर रही हैं, बेटी अपनी मम्मी के लिए चाय ढूंढ रही है क्योंकि हम लोग इतने बेवकूफ़ी हैं, हमें बिल्कुल चमकीने की चाय तो नहीं मिलेगी और हम लोगों को भूख लगी हुई है बहुत जोर की। यार मैंने पूरी वीडियो में यही किया, भूख लगी हुई है, भूख लगी, भूख लगी। बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा वेरी वेरी गुड विद 4 स्टार्स जो मैं इस क्लास टीचर दिया करती थी, बिल्कुल वो बन चुके हैं। आई फील सो गुड। मैं आराम से आधे घंटे नहीं हूँ आज। यस, आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग द जर्नी पार्ट टू रीच हियर। मुझे तो बहुत मजा आई, थोड़ी सी थक भी गई थी बट मजा आई, इट वॉज एन एक्सपीरियंस। और हमने ना जो करेंसी एक्सचेंज कर रहे थे, पापा उसकी फोटो क्लिक कर रहे थे, मम्मी सबको वीडियो कॉल करके दिखा रही थी, देखो हम यहाँ आ गए। इट फील्स वेरी 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 गुड एंड आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू गाइज क्योंकि आपकी वजह से ये सब पॉसिबल है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। यस, आई होप यू गाइज एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू डिड सो, मेक श्योर आप लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। तो कॉमेंट करके मुझे आप अपनी इंटरनेशनल ड्रीम डेस्टिनेशन बताना। मेरे दिमाग में ना बकेट लिस्ट में बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमें टेक ऑफ करनी और हम जल्दी करेंगे, तो आप अपनी भी मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। वेट, बट मेरे पास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा गिव अवे है बिकॉज ऑल ऑफ दैट वाज जस्ट पॉसिबल बिकॉज ऑफ यू गाइस। तो गिव अवे है Amazon के गिफ्ट वाउचर का वर्थ ₹5,000। पार्टिसिपेट करने के लिए जस्ट नीड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और नीचे कॉमेंट कर देना की आपको वीडियो कैसी लगी। एंड यस, दैट्स इट, आई एम गोना सी यू माय नेक्स्ट फ्रेंड। Bye and thank you so much for all your love and support. I'm always and always and always grateful to you guys. Ta-ta!